हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर चैनल विद्यापंत सो फ्रेंड्स आज का जो हमारा हॉट टॉपिक रहेगा वो है पॉलीनॉमिल्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर टू सो बिफोर डूइंग दैट आई आई विल से दैट जिनको हमारी वीडियोस फ्रेंड्स बहुत ही पसंद आ रही हैं जिनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है वो काइंडली हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जो चाहते हैं कि हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लेके आना चाहते हैं मैथ्स में इन बोर्ड एग्जाम सो फ्रेंड्स वो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो चलिए आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ सो क्वेश्चन टू क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है वो कह रहा है कि जो फर्स्ट पॉनी गिवन है यहाँ पे फर्स्ट इन क्वेश्चन में वो देखना है कि क्या वो फैक्टर है सेकंड पोलिन का ये जो सेकंड पोलिन है क्या ये इसका फैक्टर है वो बता रहा है खुद कि कैसे करके दिखाना है आपको बाय डिवाइडिंग सेकंड पोलिनमिल बाय द फर्स्ट इस सेकंड पोलिन को फर्स्ट पोलिन से आप डिवाइड करिए हमने अपनी पुरानी वीडियोस में ये सीख लिया है कि हम एक पॉलिन की डिवीजन दूसरे पोलिन से कैसे करते हैं तो चलिए दोबारा से आज हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है सो so, सबसे पहला पार्ट है हमारा यहाँ पर वो है टी स्क्वेयर माइनस थ्री हमारा है जी एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में दैट जी एक्स हमारा है टी स्क्वेयर माइनस थ्री एंड जो हमारा पी एक्स है वो है टू टी रेज टुपा फोर प्लस थ्री टी टू रेजुपा क्यू माइनस टी टू टी स्क्वेयर माइनस नाइनटी माइनस ट्वेल्व अब फ्रेंड्स अब हमने डिवीजन परफॉर्म करनी है तो लेट्स सी इसकी डिवीजन कैसे होगी तो यहाँ पे हमारा आएगा ये सेकंड पॉलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं क्या फ्रेंड्स हमने सीखा है डिविडेंड इसको हम यहाँ लिखेंगे अब देखिए ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो हमारा वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे टी वेरिएबल यूज़ हुआ उसकी जो पावर होगी वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी सबसे पहले सबसे बड़ी पावर होगी टी की फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी उस तो ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है सो so, हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया अब इस तरफ हमारा क्या आएगा दोस्तों ये टी स्क्वेयर माइनस थ्री डिवाइजर बोलते हैं इसे हम सो so चलिए इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं फ्रैंड मैं आपको बताती हूँ कैसे पता लगेगा तो चलिए हमने सीखा था अपनी रॉन्ग डिवीजन में कि जब हम एक पॉलीनोमियल की डिवीजन दूसरे पॉलीनोमियल से करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म होगी हमारी हम देखेंगे कि या फिर आप कह सकते हैं इस पूरे डिविडेंड में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है अब यहाँ पे टी की डिग्री है फोर सबसे हाईएस्ट अभी यही है तो हम इस टर्म को उठाएंगे तो ये टर्म क्या है हमारी टी टू टी रेज टू पा फोर इसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइजर से डिवाइज़र की उस टर्म से जिसमें हाईएस्ट डिग्री है टी स्क्र से डिवाइड करिए पहले तो जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे t की पावर टू थी तो ऊपर यहाँ पे फोर पावर्स है तो यहाँ पे दो पावर्स कैंसिल हो गई तो दो रह गई तो ये क्या हो गया टू टी स्क्वेयर या आप कह सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब t की पावर है ऊपर फोर और नीचे टू तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फोर माइनस टू बिकॉज ये अभी नीचे डिवाइड हो रहा है लेकिन जब ऊपर जाएगा पावर तो वहाँ पे पावर्स जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं जब डिवीज़न में होती है कोई चीज़ तो ये आ जाएगा टू टी स्क्वेयर तो क्वेश्चन आ गया हमारा डिवाइड करके क्या टू टी स्क्वेयर सो इसको इससे इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया क्वेश्चन तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा टू टी रेज बा फोर अब देखिए साइन आया था यहाँ प्लस का कैसे यहाँ पे प्लस है अगर कुछ नहीं दिया इट मीन्स यहाँ प्लस है यहाँ पे भी प्लस है प्लस 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 का साइन बट तो मैंने बताया है कि अब इसके बाद ये साइंस हमारे कन उल्टे हो जाते हैं नीचे वाले साइंस चेंज हो जाते हैं तो प्लस माइनस माइनस तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया पूरा ज़ीरो सेम था अब क्या करना है सेकेंड स्टेप पे अब पहले जो डिवाइजर में अगली टर्म्स होती हैं हमारी उसको हम उस क्वेश्चन से पहले हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो चलिए यहाँ है प्लस तो प्लस माइनस माइनस थ्री टू जिक्स सिक्स टी स्क्र अब ये स्क्वेयर की वैल्यू स्क्वेयर के नीचे ही आएगी स्क्वेयर वाली टर्म में तो हमारे पास आया प्लस माइनस माइनस थ्री टू सिक्स टी स्क्र जहाँ पर टी स्क्र है वहीं पर आएगी उसके नीचे तो इसका साइन अब चेंज हुआ तो अब इस साइन को आप भूल जाइए अब प्लस माइनस ये सब्ट्रैक्ट होएगा प्लस माइनस माइनस और बड़ी रकम का साइन लगेगा तो प्लस सिक्स में से टू गया फोर टी स्क्र अब बाकी के टर्म्स को आप एज इट इज नीचे उतार लीजिए ये यहाँ पे आया मेरे पास माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व अब ये है हमारा नया डिविडेंड अब यहाँ देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है ये वाली फ्रेंड्स तो अब हम क्या करेंगे थ्री टी क्यूब को हम किससे डिवाइड करेंगे यहाँ की हाईएस्ट डिग्री टर्म से वो क्या है टी स्क्वेयर तो जब मैंने डिवाइड किया वही यहाँ पे अब ऊपर जब ये डिग, डिग्री जाती हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी जब डिवाइड में होता है तो डिग्री जब ऊपर जाएगी तो सब होगी ये यूँ कह लीजिए दो पावर यहाँ से चली गई तो यहाँ कितनी रह गई वन तो यहाँ पे आ गया मेरे पास थ्री इंटू टी तो क्वेश्चन क्या आया फ्रेंड्स थ्री इंटू टी प्लस थ्री इंटू टी अब देखिए प्लस 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 एंड थ्री टी क्यूब यहाँ पर आ गया अब इसमें साइन चेंज होगा तो ये सेम टर्म्स है प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गई अब फ्रेंड्स सेकेंड स्टेप में दोबारा से क्या करना है जो डिवाइजर की सेकेंड टर्म है उसको उस क्वेश्चन से जो आया था अभी हमारा थ्री टी उससे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो प्लस माइनस माइनस एंड थ्री थ्री जर नाइन टी अभी इसी के नीचे आएगी वैल्यू बिकॉज़ यहाँ पे जहाँ पे टी यूज़ हो रहा होगा टी टू पावर वन अब यहाँ साइन चेंज हुआ मेरा माइनस को भूल जाइए अब क्या है प्लस माइनस माइनस अब ये सेम है तो कैंसल होके जीरो आ गया ओके okay. अब जो बची कुची टर्म्स हैं उन्हें आप नीचे उतार लीजिए नीचे क्या बचेगा फोर टी स्क्र ये जीरो था यहाँ पे माइनस ट्वेल्व तो अब फोर टी स्क्र माइनस ट्वेल्व हमारे पास नया डिवाइजर है सॉरी uh, डिविडेंड है अब देखिए यहाँ हाइएस्ट डिग्री टर्म क्या है फोर टी स्क्र अब हाइस्ट डिग्री टर्म क्या है फोर टी इसको डिवाइड करिए इस हाइएस्ट डिग्री टर्म से टी स्क्र इससे डिवाइड किया तो टी स्क्र और टी स्क्र कैंसिल तो क्या बचा फोर क्वेश्चन तो प्लस फोर ना फोर इन टू टी स्क्र इज इक्वल टू फोर टी स्क्र अब प्लस में आया था ये प्लस 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 लेकिन साइन चेंज होगा तो माइनस का साइन आया है तो प्लस माइनस माइनस होता है फ्रेंड ये साइन भूल जाइए यहाँ प्लस का साइन था प्लस माइनस माइनस एंड सेम है फोर टी स्क्र फोर टी स्क्र तो ये कैंसिल होके जीरो आ गया अब अगली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा थ्री फोर सा ट्वेल्व और साइन कौन सा आएगा फ्रेंड्स प्लस माइनस माइनस अब साइन चेंज होगा प्लस माइनस को यहाँ भूल जाइए अब क्या है प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो ट्वेल्थ में से ट्वेल्व क्या तो ज़ीरो अब देखिए रिमाइंडर क्या आया फ्रेंड्स हमारे पास रिमाइंडर इज इक्वल टू तो ज़ीरो अब जब रिमाइंडर आया मेरा ज़ीरो तो हम कह सकते हैं दैट येस दिस इज अ फैक्टर ऑफ डिसिविडेंट जब रिमाइंडर आ जाता है ज़ीरो तो हम कह सकते हैं कि जो डिवाइजर है ये हमारा फैक्टर है किसका इसका डिवा डिविडेंट का यही पूछा था कि चेक दैट द फर्स्ट पोलिनॉमिल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनॉमिल क्या ये जो फर्स्ट पॉलिनॉमिल है ये इसका फैक्टर है येस yes, ये इसका फैक्टर है क्यों बिकॉज जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो वो इसका फैक्टर होता है तो हम एट द एंड एक स्टेटमेंट लिख देंगे दैट यस yes,

फ्रेंड्स so क्लियर हो गया होगा अब अगले क्वेश्चन में जहां पे रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा इट मीन्स क्या है कि वो उसका फैक्टर नहीं है सो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट अब इसको यहां से रब कर देते हैं सो सेकेंड पार्ट है हमारे पास ये x squared plus 3x plus 1 comma थ्री एक्स रेज टू पा फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू सो चलिए सेकेंड पार्ट जब हमने करा यहाँ पर तो इसकी डिवीजन हम परफॉर्म करेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है फर्स्ट से तो इट मीन्स ये हमारा डिविडेंड है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ये देखिए ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है कैसे पता चल रहा है बार बार बता रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पता लगती है जैसे जो वेरिएबल यूज़ हुआ होता है हमने देखना होता है कि जो उसकी डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ सबसे बड़ी डिग्री फिर उससे छोटी डिग्री एक्स की फिर उससे छोटी डिग्री एक्स की फिर उससे छोटी तो ऐसे चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं सो so फ्रेंड्स जैसे मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूं वैसे ही मैं बार बार आपको ये भी कह रही हूं कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सो so चलिए यहां पे लिख लेते हैं माइनस सेवन एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स प्लस टू यहाँ पे लिखेंगे अपना डिवाइजर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं क्या रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर है तो so चलिए हमने क्या करना है वही प्रोसेस फॉलो करना है क्या कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन से है एक्स रेस टू तो ऑफ फोर की सबसे बड़ी डिग्री चार है यहाँ पे एक्स की तो बाकी छोटी है तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे थ्री एक्स रेज टू पावर फोर इसको डिवाइड करिए यहाँ की हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है एक्स स्क्र तो मैंने यहाँ एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया तो ये क्या आया थ्री और एक्स की जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं फ्रेंड्स अब यहाँ से हो जाती हैं फोर माइनस टू ये कैंसिल भी कर सकते हैं दो डिग्री यहाँ से चली गई ऊपर से दो चली गई तो दो ही बचेगी तो हम यहाँ लिखेंगे थ्री एक्स रेज टू पावर स्क्वेयर तो ये इसका क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे थ्री एक्स रेज टू पावर स्क्वेयर यहाँ पे क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई करके थ्री एक्स रेज टू पावर फोर मल्टीप्लाई करके ये आया प्लस 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 का साइन था बट यहाँ साइन चेंज हो जाता है आपको पता है तो प्लस माइनस अब माइनस ये सब्ट्रैक्ट हो गया कैंसल हो गया जीरो आ गया फ्रेंड्स तो चलिए अब क्या करना है अब जो अगली टर्म्स हैं इसकी सिंगल सिंगल टर्म को उठाइए और इससे मल्टीप्लाई करके पहले लिख लीजिए तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास प्लस 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 का साइन थ्री इंटू थ्री 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 जन नाइन और x की पावर यहाँ टू है यहाँ x की पावर वन है तो कितनी हो जाएंगी पावर्स? x की थ्री सो थ्री 3 नाइन एक्स क्यूब तो ये एक्स क्यूब के नीचे ही आएगी प्लस का साइन आएगा प्लस 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 अब लेकिन साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाला तो मेन हमारा साइन अब ये कंसीडर होएगा इसके साथ इसको हम भूल जाएंगे सो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा और सब्ट्रैक्ट होगा तो नाइन में से जब फाइव गया तो कितना बचा था फ्रेंड्स फोर एक्स क्यूब लेकिन यहाँ साइन कौन सा आएगा जो बड़ी टर्म के साथ है नाइन बड़ा है फाइव से तो इसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा वैसे ही अब अगली टर्म जो लास्ट टर्म है डिवाइजर की उसको भी उससे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो क्या आएगा प्लस 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 का साइन आएगा थ्री इंटू वन थ्री एक्स तो यहाँ पे है एक्सक्वायर वाली टर्म उसके नीचे लिख देंगे तो यहाँ प्लस का साइन आया था अब साइन चेंज होगा माइनस तो ये साइन एन को हम भूल जाएंगे फ्रेंड्स तो माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस होता है प्लस इट मीन्स ये ऐड होंगे तो सेवन और थ्री कितने हो गए टेन एक्सक्वायर लेकिन साइन कौन सा आएगा फ्रेंड्स जो बड़ी टर्म के साथ होता है सेवन के साथ है माइनस ओके अब ये हो गया यहाँ तक हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया अब जो बाकी के टर्म्स बची हैं उनको आप एज इट इज़ नीचे उतार लीजिए अब नया डिविडेंड हमारा है ये अब हम इसमें दोबारा से वही डिवीजन प्रोसेस फॉलो करेंगे सॉरी फ्रेंड्स सो चलिए अब जब हम दोबारा करेंगे तो दोबारा देखेंगे इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है ये है माइनस फोर एक्स क्यू। अब इसको यहाँ की हाईएस्ट डिग्री टर्म से करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो मैंने किया डिवाइड तो मेरे पास क्या आया माइनस फोर एक्स की पावर्स ये सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं थ्री माइनस टू तो ये क्या आया मेरे पास माइनस फोर इंटू एक्स तो क्वेश्चन क्या आया माइनस फोर इंटू एक्स अब इसको जब मैं इससे करके लिखूंगी प्लस माइनस माइनस फोर फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हुआ फोर एक्स क्यूब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा प्लस इस साइन को हम भूल जाएंगे अब सेम टर्म्स हैं प्लस माइनस और ये ज़ीरो वैसे ही अब अगली टर्म को उठाइए डिवाइजर की अगली टर्म को उठाइए और उसको उस क्वेश्चन वाले पार्ट से इतने पार्ट से जो क्वेश्चन आया अभी उससे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो कितना आएगा थ्री फोर सा ट्वेल्व एक्स यहाँ पर दो जगह यहाँ पे भी यहाँ तो एक्स स्क्र आ जाएगा तो ये आएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर ये कहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायेयर वाली टर्म उसके नीचे ट्वेल्व एक्स स्क्र लेकिन साइन कौन सा आएगा फ्रेंड्स प्लस माइनस माइनस अब यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा चेंज हो जाते हैं साइंस तो ऊपर वाले साइन को हम भूल जाएंगे फ्रेंड्स तो अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस होता है माइनस तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होेंगे टर्म्स तो ट्वेल्थ में से जब टेन गया तो कितना बचा टू एक्स स्क् साइन अब देखिए साइन कौन सा लेगा जो बड़ी टर्म के साथ है ट्वेल्थ हमारा बड़ा उसके साथ प्लस है तो प्लस का साइन लग जाएगा ईजी वैसे ही अब उससे अगली टर्म को वन को भी उससे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो प्लस वन माइनस फोर एक्स कितना होगा जब मैं ये मल्टीप्लाई करूंगी ये होगा मेरा फोर एक्स तो प्लस माइनस साइन नेगेटिव साइन आएगा और फोर एक्स आएगा तो एक्स के नीचे लिखेंगे ये वाली टर्म और साइन आ रहा है नेगेटिव तो साइन चेंज हो जाएगा ऊपर वाले साइन को हम भूल जाएंगे तो अब यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है प्लस साइन भी प्लस का आएगा बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है तो ऐड करके आ गया सिक्स एक्स अब ये देखिए यहाँ तक हो गई एंड तक डिवाइजर के साथ बा, बाकी की टर्म्स को एज इट इज़ नीचे लिख लीजिए सॉरी यहाँ पे अब ये नया डिवाइज़र है हमारा अब इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसमें हाइएस्ट डिग्री टर्म है टू एक्स स्क्वेयर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म है टू एक्स स्क्र इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ की हाईएस्ट डिग्री टर्म वो है एक्स स्क्र तो मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्र हो गया कैंसिल क्वेश्चन आया मेरा टू तो जो क्वेश्चन है टू वो यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स अब देखिए टू इंटू टू इंटू एक्स स्क्र कितना आया टू एक्स स्क्र पॉजिटिव साइन था साइन चेंज होगा ये कैंसिल होके यहाँ जीरो आ जाएगा अब उससे अगली टर्म को उस क्वेश्चन पार्ट से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए थ्री एक्स इंटू टू कितना हुआ थ्री टू जिक्स एक्स सिक्स एक्स पॉजिटिव आ रहा था प्लस 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 साइन लेकिन अब यहाँ चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल होके ज़ीरो आ जाएगा अब उससे अगली टर्म को फिर से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए जब तक डिवाइजर की सारी टर्म्स को हम उस क्वेश्चन पार्ट से मल्टीप्लाई करके लिख नहीं लेता तो वो हमारी डिवीजन ख़त्म नहीं होती है सो टू वन ज़ार टू सो प्लस टू यहाँ साइन चेंज हुआ तो ये कैंसिल होके जीरो आ गया अब देखिए रिमाइंडर क्या आया हमारा एट दी एंड वो आया ज़ीरो तो जब रिमाइंडर आया फ्रेंड ज़ीरो तो हम एक लाइन लिख देंगे एंड में क्या लिखेंगे दैट देआर फोर एज रिमेंडर इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स स्क्र माइनस फोर सॉरी यहाँ पे डिविडेंट थ्री एक्स रेज टू पावर फोर प्लस फाइव एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस सेवन एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस टू तो डिविडेंट को उतार के वहाँ लिख देंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी तो चलिए अपना थर्ड पार्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे कि हमने ये वाले करे हैं अपने और फ्रेंड्स थर्ड पार्ट जो है वो भी बहुत ही सिंपल है ये वाला थर्ड पार्ट मैंने वहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन कॉमा इस डिवाइड करना है इससे x रेज टू पावर फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन सो फ्रेंड्स आप इसको भी डिवाइड करिए इससे तो हमारा जो यहाँ इस केस में रिमेंडर होगा वो ज़ीरो नहीं आएगा वो ज़ीरो नहीं आएगा वो कुछ और आएगा तो अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं होगा ये डिवीज़न आपने करनी है खुद दिस इज़ लाइक अ होमवर्क फॉर यू इस डिवीजन को आप खुद परफॉर्म करिए अगर ये आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिनसे सॉल्व नहीं होगा उनके लिए मैं ये सॉल्व करके दिखा दूँगी सो फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा जिन्हें बहुत ही पसंद आ रही है हमारी वीडियोस और मैं बार बार कह रही हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सो so फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू